हाय फ्रेंड्स, बेबी सेंट्रिक चैनल मॉम इन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मेरी बेबी डॉल यहाँ पे कर रही है ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में मैंने आज अपनी बेबी के लिए बनाया है बेसन का चीला। बेसन का चीला जो है बहुत ही ज्यादा हेल्दी फूड होता है और बच्चों का तो ये पसंदीदा फूड होता है। बहुत ही ज्यादा डिलीशियस होता है खाने में बेसन का चीला, और झटपट से तैयार हो जाने वाला ये बेसन का चीला आप तुरंत बना के अपने बच्चों के लिए सर्व कर सकते हैं। इससे बच्चों को अच्छी कैलोरी मिलती है, प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छी मात्रा में इसमें होता है, फाइबर इससे मिल जाता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम और बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स इससे बच्चे को मिल जाते हैं। तो बच्चे की वेट गेन करने के लिए और बच्चे की ग्रोथ के लिए ये बहुत ही अच्छा फूड होता है। तो झटपट से बन जाने वाली ये रेसिपी बेसन का चीला किस तरीके से बनाया जाता है, चलिए जानते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक बोल में 3 बड़े चम्मच बेसन के लिए है, और इसमें मैंने 1 चम्मच एड किया है सूजी। इसके साथ ही यहाँ पे 1 पिंच हींग मैं यूज करूंगी, और साथ ही थोड़ा सा अजवाइन इसमें डाल देते हैं। अब यहाँ पे 1/4 हल्दी पाउडर और स्वादानुसार नमक यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। इसके बाद पानी डाल के इसे अच्छे से घोल लीजिए और इसका अच्छा सा बैटर बना लीजिए, और 5 से लेकर 10 मिनट तक एज इट इज रखिए। अगर आपको लगता है कि इसके बाद इसमें पानी डालने की जरूरत है, क्योंकि इसमें मैंने सूजी ऐड किया है, तो कुछ देर बाद सूजी फूल जाती है और इसमें अच्छी खासी मात्रा में पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको पानी और डालना है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। तो इसका जो बैटर है आपको डोसा बैटर की तरह ही बना लेना है। इसके बाद चलते हैं स्टोव की तरफ। तो यहाँ पे फ्लेम ऑन कर ली है मैंने और तवा रख लिया है, तो सबसे पहले मैं तवे को सेट कर लूंगी। तो यहाँ पे तवे को सेट करने के लिए रिफाइंड ऑयल सबसे पहले मैं तवे में अप्लाई कर लेती हूँ, और उसके बाद कुछ पानी की बूंद के छींटे इसमें मारने के बाद साफ कपड़े से इसे साफ कर लेती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से मेरा तवा हो चुका है सेट। तो अब एक करछी की मदद से मैं यहाँ पे बेसन का चीला तैयार कर रही हूँ, और इसे अच्छे से एक ही साइड क्लॉकवाइज आपको राउंड करते हुए स्प्रेड कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए, बेसन का चीला ने शेप ले लिया है। फ्लेम को आपको मीडियम रखना है, क्योंकि चीला बच्चों के लिए बन रहा है। तो यहाँ पे मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ चीला बनाने के लिए। तो इस तरीके से देसी घी को चीले के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लेना है, और इसके बाद इस चीले को आप पलट लीजिए। तो इस तरीके का कुछ ये चीला बन जाता है, और आपको दूसरी साइड भी इसमें घी अप्लाई कर लेना है और इसे अच्छे से पका लेना है। तो 1-2 बार इसको अच्छे से आगे पीछे फ्लिप करते हुए अच्छे से पका लीजिए। तो ये देखिए, ये बेसन का चीला रेडी हो चुका है। और इसके बाद अगर आपको अपने लिए चीला बनाना हो, तो इसमें आप प्याज और हरी मिर्च काट के डाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने प्याज और हरी मिर्च को चॉपर की मदद से बिल्कुल बारीक कर लिया है, और इस बैटर में मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे अनियन बेसन चीला बना रही हूँ। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बेसन का चीला की ये झटपट से बन जाने वाली सिंपल रेसिपी पसंद आई होगी। जो पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और हमारे इस चैनल मॉम इन इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, एंजॉय विद योर लव्ड वन।